यहाँ पर बॉईल किया हुआ एग है, कटा हुआ प्याज है, लहसुन पेस्ट है, अदरक पेस्ट है, सूखी मिर्ची का पेस्ट है और सादा तिल का पेस्ट। अब हम लोग कढ़ाई गरम कर लेंगे। अब इसमें हम नमक और थोड़ा सा हल्दी देके इसको मिला लेंगे। कढ़ाई हम लोग का गरम हो गया है, अब इसमें तेल डालेंगे। अब ये अंडा को डाल देंगे एक एक करके। अब लाल लाल करके भूत लेंगे। अंडा हम लोग का लाल लाल हो गया है, अब इसको निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल दे देंगे, थोड़ा सा काला जीरा डाल देंगे, एक तेज पत्ता डाल देंगे, उसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे, प्याज को लाल लाल होने तक भूनेंगे। प्याज हम लोग का लाल लाल हो गया है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें सूखी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, क्योंकि हम पहले से अंडा में भी थोड़ा सा नमक डाले हैं, उसी हिसाब से नमक डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। अब सारे मसालों को तेल छोड़ने तक पका लेंगे। तेल हम लोग का छोड़ना शुरू कर दिया है, अब इसमें सादा तिल का पेस्ट डाल देंगे। अब ये सारे मसालों को मिला लेंगे। तिल डाल के ज्यादा समय नहीं भूनना है, पानी दे देंगे इसके बाद। अब एक ठो उबला किया हुआ आलू इसमें मिक्स करके डाल देंगे। जिससे अच्छी ग्रेवी बनेगी। अब इसमें एक करी मसाला डाल देंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे। अब जैसे ही मसाला में उबाल आने शुरू हो जाएंगे, तब इसमें एग डाल देंगे। तो मसाला में हम लोग का उबाल आना शुरू हो गया है, अब इसमें
एक डाल देंगे। अब एक डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, गैस को बंद कर देंगे। तो हम लोग का तिल का एक करी बन के रेडी हो गया है। आप इसको रोटी के साथ, राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ, जिसका भी आपको मर्जी हो खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये करी। और कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।